हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीएसबी स्टडी क्लासेस। आज हम लोग साइंस में भौतिक से क्या करने जा रहे हैं, एक और वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन क्या करने जा रहे हैं, सिद्ध करने जा रहे हैं। एकदम वीवीआई है ये भी, क्या है वीवीआई है ये, लगभग 2 साल से आया नहीं है। हो सकता है कि ये इस बार पूछ दिया जाए, चांस है इसका पूछने का। तो इसको क्या करते हैं, सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए, ये भी क्या है, एक प्रयोग है। प्रयोग विधि द्वारा इसको क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है। कहता है विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट करें। यहाँ मूल सिद्धांत क्या है, छूट चुका है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, यहाँ लिख लेते हैं सिद्धांत, या फिर इस तरह से पूछ दिया जाए कि विद्युत जनित्र का वर्णन करें, यानी विस्तार से वर्णन करें। और यह दीर्घ में ही आता है, ये क्या आता है, दीर्घ में आता है, या फिर ऑब्जेक्टिव कहते हैं। 2 नंबर वाला क्वेश्चन में आएगा तो सिर्फ पूछा जाएगा कि विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, या विद्युत जनित्र को परिभाषित करें। तो इसको सिर्फ ऊपर वाला लाइन लिखना है। कहता है कि विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है, और इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसका कार्य फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर निर्भर है। यानी इसका जो कार्य है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या है, निर्भर है। फ्राइडे, माइकल फ्राइडे जो बोल सकते हैं, इन्हें अपना क्या कहते थे, नियम दिए थे। तो वो सब तो बहुत लॉन्ग है, डिटेल से वो सब क्लास में पढ़ना है। तो यहाँ तो क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे विद्युत जनित्र के बारे में। अगर 5 नंबर में पूछ दिया तो इसको क्या करते हैं, बारी बारी से किस तरह से क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। चलिए क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो कहता है सबसे पहले विद्युत जनित्र का परिभाषा लिखना। कहता है कि विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है, यानी एक डिवाइस है, यानी यंत्र है, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है। अब विद्युत सिद्धांत क्या है वो इस लाइन में देखें। तो कहता है इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, विद्युत जनित्र किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है। या क्वेश्चन इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है यहाँ से। कहता है कि इसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन कि विद्युत जनित्र, ऑप्शन दे दिया जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को सौर ऊर्जा में, इस तरह से ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा, उसमें आपको सही रहेगा, उसको टिकआउट करना है। तो कहता है इसका कार्य फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर निर्भर है, यानी उसके फ्राइडे के जो नियम दिए थे उस पर क्या करता है, वर्क करता है। तो चलिए इनका सिद्धांत पढ़ते हैं। कहता है कि जब किसी बंद कुंडली या जिसको बोल सकते हैं आर्मेचर, या फिर बोल सकते हैं जब किसी आर्मेचर को किसी शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र में घुमाया जाता है, जिससे आर्मेचर से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी चेंज होते रहता है, बार बार बदलते रहता है, जिससे क्या होती है, परिवर्तन होता है और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित विद्युत धारा कहने का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, या फिर बोल सकते हैं प्रतिवर्ती धारा। जो हम लोग को घर में क्या होता है आता है, वो क्या होता है, प्रतिवर्ती धारा। एक होता है दिष्ट धारा जो बैटरी से उत्पन्न होता है। उसके बाद आता है बनावट, यानी यहाँ एक फिगर बनेगा, यानी इसका चित्र बनाएंगे और उससे फिर क्या करें, उसका सिद्ध करेंगे बनावट, फिर किस तरह से चित्र बनाना है, उसके बाद उसका कार्य विधि को समझेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिए तो क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं, एकदम पूरा बोर्ड को क्या करते हैं, क्लीन, एकदम अच्छा से नोट कर लीजिए एक बार फिर से, हो गया। तो चलिए मिटाना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं बनावट की तरफ, यानी विद्युत जनित्र का क्या करते हैं, बनावट। ये क्या है, फिगर, चित्र जिसको बोल सकते हैं। तो इसको किस तरह से क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, संयोजित करेंगे, बोल सकते हैं संयोजित करना, या फिर सजा सकते हैं, यानी किस तरह से इस मतलब उपकरण को लगाएं कि ताकि हमको क्या मिले, प्रेरित विद्युत धारा, यानी बोल सकते हैं उसको अल्टरनेटिंग करंट हमको प्राप्त हो, यानी विद्युत जनित्र किस तरह से उसका इमेज होता है, यानी किस तरह से कार्य करता है, वो अगले बनावट के बाद फिर क्या करें, उसका कार्य पढ़ेंगे। अभी क्या करते हैं, बनावट, यानी ये किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले 2 शक्तिशाली चुंबक लेते हैं, उसके बाद ये बताए थे कि बंद कुंडली, या फिर इसको बोलते हैं आर्मेचर भी बोल सकते हैं, कि बंद कुंडली ABCD के द्वारा क्या कर दिया जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए। इसका क्या करते हैं, चलिए फिगर आप लोग ध्यान से देखें और इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, यानी किस तरह से इसको बनाया है। तो कहता है कि विद्युत जनित्र में आयताकार कुंडली ABCD होती है, आयताकार कुंडली, जैसा कि आपको दिख रहा है फिगर में आपको दिख रहा है। कहता है जिसे किसी 2 अस्थायी चुंबक के ध्रुवों के बीच संयोजित किया, 2 अस्थायी चुंबक है,
ये क्या है, इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये क्या है, दो अस्थायी चुंबक। इनके चुंबक को अस्थायी रखना है, इनके चुंबक को बदलते नहीं रहना, कभी कभी छोटा चुंबक कभी बड़ा चुंबक, इस तरह से ना अस्थायी इसको फिक्स कर देना है। इस कुंडली के दो सिरों दो वलयों R1 एवं R2 के साथ संयोजित होते हैं, यानी इस कुंडली के, यानी ये जो कुंडली दिख रहा है आर्मेचर जिसको बोल सकते हैं, बंद कुंडली है ABCD, इसको दो सिरों को क्या करते हैं, दो वलयों से जोड़ा जाता है। ये पहला वलय इसको बोलते हैं R1 और इसको नाम दे दिए R2। ये क्या है, R1 और ये R2, यानी दो वलय हैं, इससे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, फिर कहता है संयोजित होते, फिर आगे क्या कहता है कि दो स्थिर चालक ब्रूसो B1 तथा B2 को अलग अलग रूप से क्रमशः वलयों के R1 तथा R2 पर दबाकर रखा जाता है। ये जब ब्रश जो आप ब्रूसो यहाँ लिखने ब्रश लिख दिए हैं, इसको ब्रूसो कर लीजिए, ये ब्रश मुंह धोने वाला ब्रश नहीं है, ब्रूसो इसको बोला जाता है। तो ये आपको जो ब्रूसो दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रूसो लगाते हैं और इसको क्या करते हैं, सटा के रखते हैं, यानी दबा के रखा जाता है, जिससे क्या हो कि अगर ये इसको क्या करेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे, ब्रूसो का कार्य क्या होता है कि ये क्या होता है कि जब आर्मेचर घूमता है तो क्या करता है कि ब्रूसो के द्वारा ही क्या होता है, करंट फ्लो होता है, जिसको बोलते हैं विद्युत धारा क्या होता है, कि प्रवाहित होता है। तो ब्रूसो को क्या करते हैं, दबा कर रखा जाता है। दोनों ब्रूसो से बाहरी परिपथ में क्या करते हैं, विद्युत धारा दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, गैल्वेनोमीटर। अब बोलेंगे यहाँ अमीटर क्यों नहीं लगाए, सर प्रश्न उठ सकता है यहाँ पर कि सर अमीटर क्यों नहीं लगाए, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर ही क्यों लगाए। और गैल्वेनोमीटर अमीटर दोनों क्या करता है कि करंट को शो करता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, यह क्या करता है, शो करता है। लेकिन यहाँ से क्या आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है या फिर सब्जेक्टिव में, दोनों नंबर में पूछा जाता है कि अमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या अंतर है, इस तरह से पूछा। तो देखो अमीटर है ना, अमीटर हो जाए कि छोटे करंट, यानी छोटे मोटे करंट को क्या करता है, मेजर करता है, मापता है। लेकिन बड़े पैमाने पर करंट को मेजर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर। जैसे घर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसको मेजर करने के लिए, मापने के लिए क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के यूज करें। या फिर बड़े बड़े कारखानों में बोल सकते हैं, तो वहाँ 1-2 एम्पेयर थोड़ी करंट जाता, 1-2 एम्पेयर थोड़े ही करंट जाता है कि अमीटर का यूज करेंगे। वहाँ बड़े पैमाने पर करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे विद्युत जनित, जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं आम भाषा में, क्या बोला जाता है, जनरेटर क्या करता है, या ट्रांसफार्मर क्या करता है कि हम लोग के घरों में क्या करता है, अल्टरनेटिंग करेंट क्या करता है, प्रेरित विद्युत धारा या फिर प्रतिवर्ती धारा क्या करता है, पहुंचाता है। तो वो छोटा मोटा करेंट थोड़ी होता है, 100-100 वाट के कितना सारा बल्ब जल सकता है उससे, यानी कितना करेंट यूज करता है। तो उसके लिए क्या करता है, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, यानी ये बड़े पैमाने पर करंट को मेजर करने, यानी मापने के लिए क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर, और छोटे पैमाने पर अमीटर का। जैसे ओम का नियम में क्या करते हैं, सत्यापित कहते हैं, तो वहाँ क्या कहते हैं, एम्पेयर यानी विद्युत धारा का मान 5 एम्पेयर से अधिक नहीं लेते, इसलिए क्या कहते हैं, अमीटर लगाए थे। जो बच्चे वो ओम का नियम का सत्यापन नहीं देख पाए, इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, वहाँ बहुत अच्छा से समझाया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, ये क्या होगा, इसका बनावट हो गया क्या, विद्युत जनित में आयताकार कुंडली के ABCD होती है, जिसे किसी दो अस्थायी चुंबक के ध्रुवों के बीच संयोजित किया जाए, नॉर्थ पोल साउथ पोल। फिर कहता है इस कुंडली के दो सिरों को दो बले R1 R2 के साथ क्या करते हैं, संयोजित करते हैं, यानी R1 R2 के साथ, यानी व्यवस्थित करते हैं या फिर जोड़ते हैं बोल सकते हैं। कहते हैं दो स्थिर चालक ब्रूसो V1 तथा V2 को अलग अलग रूप से क्रमशः बले हो R1 तथा R2 पर दबा कर रखा जाता है, यानी सटा कर रखा जाता है, एक तरह बोल जाते दबा कर, इनके हटा के नहीं, तो हटा कर रखेंगे तो उसमें क्या होगा कि करंट फ्लो ही नहीं होगा, तार को जोड़ते हैं तभी तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है। उसी तरह से क्या करते हैं, दो ब्रूसों के बाहरी परिपथ में विद्युत धारा दर्शाने के लिए क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ये क्या होगा, इसका बनावट हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसको क्या करें, कार्य विधि पढ़ेंगे, अब यह वर्क कैसे करता है, कार्य कैसे करता है, कैसे करंट फ्लो होगा। तो इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लिए, इसको क्या करेंगे, मिटाने वाले हैं, जल्दी से क्या करिए, नोट स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कार्यविधि में, यानी इसका कार्य किस प्रकार ये वर्क करता है, उसको पढ़ते हैं, यानी उसको सीखते हैं या फिर जानकारी हासिल करते हैं बोल सकते हैं। तो कहता है कि जब आर्मेचर को दो शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच घुमाया जाता है, यानी ये क्या है, आर्मेचर, या फिर उसको बोल सकते हैं बंद कुंडली,
बंद कुंडली, और ये क्या है, दो शक्तिशाली चुंबक। तो इसके बीच में रखना है आर्मेचर को, बीच में रखना है और उसको, इस आर्मेचर को क्या करना है, घुमाना है। उसके बाद क्या, जब घुमाया जाता है तो दोनों बलय घूमने लगते हैं, और इसके साथ जो बलय लगा हुआ रहता है आर्मेचर के साथ, ये बलय क्या होता है, घूमने लगता है, घूमने लगता है। तो दोनों बलय आर वन तथा आर टू कार्बन ब्रशों के समीप आ जाते हैं, यानी इसके क्या आ जाते हैं, समीप आए, जो यहाँ पर ब्रश लगा हुआ है इसके क्या आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं। और कुंडली गति में होने से समीप आ जाते हैं, और कुंडली गति में होने से जब ए बी भुजा ऊपर तथा सी डी भुजा नीचे की ओर, यानी ए बी भुजा क्या हो जाती है, ऊपर, यानी इस तरह से रहता है। देखो जनरेटर क्या होता है, इस फिगर को ऐसे भी नहीं, इस तरह से समझो, इस तरह से समतल क्या होता है कि ए बी को क्या मानते हैं, इस तरह से ए बी क्या हो, ए बी ये भुजा, ये भी है जो ऊपर की तरफ, और सी डी भुजा को नीचे की तरफ, और आर्मेचर इस तरह से, इस तरह से क्या, इसको मान लीजिए ये क्या है, ये वाला वाला, इसको वलय और ये क्या वलय लगा हुआ, और ये क्या है इसको, और ये आर्मेचर, इसको पूरा मान लेते हैं, और इधर क्या है, दो चुंबक लगा हुआ है, ठीक है ना, इसको इस तरह से समझना है। तो कहना है कि ए बी भुजा ऊपर तथा सी डी भुजा नीचे की ओर रहती है, तो आर्मेचर में धारा की दिशा, धारा की दिशा ए से बी तथा बी से डी हो जाती है, यानी धारा की दिशा ए से बी और सी से डी हो जाती है। जब आर्मेचर की भुजा सी डी ऊपर, यानी अब ये वाला भुजा क्या हो, अब ये वाला भुजा क्या हो, जो नीचे था वो क्या हो जाए, ऊपर, और ए बी को क्या हो जाए, नीचे हो जाए, तो क्या हो जाए, देखो आगे क्या कहते हैं, जब आर्मेचर की भुजा सी डी ऊपर तथा ए बी भुजा नीचे होती है, तो फ्लेमिंग के दाहिना दाएं हस्त नियम अनुसार, यानी फ्लेमिंग अपना नियम दिए थे, फ्लेमिंग दो नियम दिए थे, बायां हस्त नियम और दाहिना हस्त नियम, ये दो दो नंबर के में पूछा जाता है सब्जेक्टिव में। तो कहता है दाहिने हस्त नियम अनुसार धारा की दिशा डी से सी तथा बी से ए की ओर, यानी अब धारा की दिशा उल्टा हो जाएगा, यानी डी से सी और बी से ए की ओर हो जाता है ये, जब क्या हो, जो सी डी ऊपर हो और ए बी नीचे हो तब। तो कहता है फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम अनुसार क्या हो जाता है, डी से सी और बी से ए की ओर क्या हो जाती है, डायरेक्शन हो जाता है विद्युत धारा के। तो इस प्रकार एक घूर्णन में धारा की दिशा दो बार क्या होती है, बदलते रहते हैं, ए से बी की ओर, फिर बी से ए की ओर, इस तरह से क्या होती है, चेंज होते रहते हैं। और प्रतिवर्ती धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। क्या बताएं कि ये क्या है, आर्मेचर है, ये जनित्र है, विद्युत जनित्र, आर्मेचर नहीं, ये पूरा क्या है, विद्युत जनित्र इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में बताएं, अभी अभी बताएं, उसको क्या बोलते हैं, जनरेटर। तो जनरेटर में जो क्या होता है, देखते हैं घुमाने वाला होता है ना, तो उसको घुमाते हैं तो क्या होता है, ये अपना घूमना क्या होता है, गति में आ जाता है, तो गति में हो जाता है, तो ये और ये क्या, दो शक्तिशाली चुंबक, ये क्या है, दो शक्तिशाली चुंबक ये, तो इसको जब घुमाते हैं तो क्या होता है कि साथ में ये घूमने लगते हैं और ये वलय भी घूमने लगता है, और इसके साथ जो कार्बन ब्रश होता है, कार्बन ब्रश लगा हुआ, वो क्या होता है, इसके साथ कस के क्या होता है, अटैच कर दिया जाता है, कस के साथ अटैच कर। तो जब ए से बी की ओर दिशा होता है, ए की बी की, जब ए बी भुजा ऊपर की ओर और सी डी भुजा नीचे की ओर, तो कार्बन अति सॉरी कार्बन है विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, ए से बी और सी से डी की ओर, और जब ये सी डी भुजा ऊपर की ओर और ए बी भुजा नीचे की ओर, तब इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और यह प्रक्रिया बार बार होती रहती है, और यही प्रक्रिया के कारण बार बार होते, तो क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उत्पन्न होते हैं प्रेरित विद्युत धारा या प्रतिवर्ती धारा, जैसे प्रतिवर्ती धारा ग्राफ क्या होता है, इस तरह से होता है, यानी एक बार ऊपर की ओर, एक बार नीचे की ओर, एक बार ऊपर की ओर, एक बार नीचे की ओर, इस तरह से होता है ग्राफ। और अल्टरनेटिंग करंट का क्या होता है, इस तरह से, सॉरी अल्टरनेटिंग ना, डायरेक्ट करंट का, इस तरह से हमेशा ऊपर की ओर। तब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर क्लास को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग को यह लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, जो नए बच्चे हैं क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से आपको नई नई जानकारी मिलते रहेगी। और अगले क्लास में भी और किसी न किसी ऑब्जेक्टिव वीवीआई जो प्रश्न है आते रहता है एग्जाम में, वो क्या कर लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।